आप देख रहे हैं एसटीवी लद्दाख, आवाज घर घर की। जिसने प्रोग्राम किया हम पब्लिकेशन कर रहे हैं सर, इसमें तो जितने भी राइटर्स है, शायर है, जो भी कलेक्शन होते हैं सर, जो फॉर्म ऑफ बुक उसको एडिट करके हम करते हैं। ये तो तशीर अफगी जी का सर, इसका लड़का है, ही इज़ द जो यहाँ का सबसे बड़ा हमारे लद्दाख का राइटर है सर, उसने उसका लड़का भी राइटर है सर, उसको कलेक्शन से यहाँ बच्चों को लाइब्रेरी का बहुत अटैक है। तो फिलहाल बिल्डिंग नया बना रहा है जिससे ये मेरा वाइफ भी करता है इसे, उसमें बड़े वाला लूप नहीं नहीं दैट इज ये वाला लाइन ये वाला तो आता मतलब बचास खत्म हो तो इस खतक से मतलब आप
आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू काइंडली राइज अप फॉर नेशनल एंथम. हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जगधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन जन मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता all to the third edition of Ladakh Literary Conference 2023. I would like to extend my warmest welcome to today's chief guest, Honorable Lieutenant Governor UT Ladakh, Brigadier Dr. Bini Mishra, esteemed First Lady Srimati Neelam Mishra Ji, Honorable Chief Executive Counselor, LHDC Kargil, Shri Feroz Ahmed Khan, Honorable Executive Counselor, LHDC Leh, Shri Tanzim Chospil, Honorable Executive Councillors of LHDC Kargil, respected Secretary Agriculture and PDD, UT Ladakh, worthy District Magistrate Kargil, SSP Kargil, and other dignitaries, participants, and the press. Today is the celebration of third edition of Ladakh Literary Conference 2023. Therefore, to commence the event, I would like to request prominent scholar from Kargil, Srimati Kanis Fatima, to kindly present the welcome address. Srimati Kanis Fatima has presented Ladakh in various national and international platforms. Srimati Kanis Fatima. Honorable Lieutenant Governor, Union Territory of Ladakh, Brigadier Dr. P.D. Mishra. Esteemed Neelam Mishra, Honorable First Lady, Union Territory of Ladakh. Honorable Chairman and Chief Executive Councillor, Ladakh Autonomous Hill Development Council, Kargil, Mr. Feroz Ahmed Khan, other distinguished dignitaries, esteemed writers, poets, scholars, and other cultural luminaries, ladies and gentlemen. I extend my warm morning wishes and heartiest welcome to all. On this vibrant occasion of the opening ceremony of two-day Ladakh Literary Conference 2023, I, on behalf of all esteemed literary community of Ladakh region, express my heartfelt gratitude to Honorable Lieutenant Governor, Union Territory of Ladakh, Brigadier Dr. B.D. Mishra. Request Purgi scholar Mr. Isa Sabri to present his paper on the development of Purgi language and script. Mr. Isa Sabri. Mane khususi Honorable Lieutenant Governor, sir. जनाब सी सी साहब और बाकी इस्टीमेट गेस्ट हजरात, आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हुए आपके कीमती वक़्त को ज़्यादा न लेते हुए मैं सीधे अपने मौजू पे आता हूँ. आज का मेरा मौजू है डेवलपमेंट ऑफ कुर्गी लैंग्वेज एंड इट इज़ स्क्रिप्ट. तो जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि करगिल डिस्ट्रिक्ट का पुराना नाम पुरिक है, और हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे तो इस पुरिक की सरहदों में थोड़ी बहुत डिफरेंस के साथ हिस्टोरिकली इस पूरे इलाके को पुरिक कहा जाता था, राइट फ्रॉम लिंगशेक टू ओल्डिंग और राइट फ्रॉम लामायुरू टू जोजिला पास. इस इलाके को पुरिक कहा जाता है, और इस इलाके में जो भाषा बोली जाती है उसको पुरगी कहा जाता है. सो पुरगी लैंग्वेज की हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो जैसे कि आप सब लोगों को मालूम होगा कि इस पूरे इलाके में तिब्बत से लेके लद्दाख से पूरी बल्तिस्तान तक का इलाका कभी तिब्बतन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था. तो इस पूरे तिब्बतन एम्पायर में तिब्बतन भाषा बोली जाती थी, और अलग अलग ज्योग्राफिकल पॉकेट्स में इसके अलग अलग डायलेक्ट्स थे. लेकिन वक़्त के साथ साथ तिब्बतन एम्पायर कमज़ोर हो गई, और इन इलाकों का तिब्बतन एम्पायर के साथ, तिब्बत के साथ सोशो कल्चरल रिलेशंस वीकन होते होते आहिस्ता आहिस्ता टूट गया. और इस वजह से इस बेल्ट में तीन खत्ों में तीन किस्म की अलग अलग लैंग्वेजेस ने जन्म लिया, वो डायलेक्ट्स अब अलग अलग लैंग्वेजेस के फॉर्म में डेवलप होने लगी.
तो उन तीन लैंग्वेज में लेह का जो इलाका है इसमें जो भाषा बनी उसको लद्दाखी कहा जाता था, जो आप बूटी के नाम से जानी जाती है। बल्तिस्तान में जो भाषा बनी उसको बल्ती कहा जाता है, और इस पुर्ग के इलाके में जो भाषा उभरी उसको पुर्गी कहा जाता है। तो ये तीनों लैंग्वेज चूँकि क्लासिकल तिब्बतन से निकली है, और क्लासिकल तिब्बतन साइनो तिब्बतन लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करती है, तो ये सारे लैंग्वेज साइनो तिब्बतन फैमिली से ही बिलोंग करती हैं। तो इन सब में पुर्गी जो है, इन तीनों ब्रांच में स्कॉलर्स का मानना है कि इन तीनों लैंग्वेज में पुर्गी सबसे ज़्यादा क्लासिकल तिब्बतन से करीब है, क्योंकि पुर्गी ने क्लासिकल तिब्बतन के बहुत सारे सिंटैक्टिक और ग्रामेटिकल क्वालिटीज़ को अभी तक अडॉप्ट करके रखा है, और बहुत सारे वर्ड्स और उनके प्रोनंसिएशंस जो है ओरिजिनल फॉर्म में ही पुर्गी में पाई जाती है। तो इसके अलावा यहाँ लद्दाख में पुर्गी, बल्ती और भोटी जो तिब्बतन साइनो तिब्बतन क्लास के हैं, फैमिली के हैं, इसके अलावा शीना और दर्दी आर्यन, जिनको अभी रिसेंटली ही दर्दी आर्यन का नाम दिया गया है, लेकिन पहले ये शीना का ही एक डायलेक्ट समझा जाता था, वो लैंग्वेजेस यहाँ पे हैं। सो मैं आप लोगों की तवज्जो इस स्लाइड पर चाहूँगा कि अभी लद्दाख में डिफरेंट लैंग्वेजेस के बोलने वालों की पॉपुलेशन क्या है। एज पर 2011 सेंसस पूरे लद्दाख की आबादी 274,289 थी। सो उसमें भूटी 97,979 जो 35.7% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन हो जाती है, और सेकंड पे पुर्गी आती है 92,176 स्पीकर्स के साथ 33.6%। शीना थर्ड पे है सर 4.3% 11,796, एंड बल्ती फोर्थ पे 9,825 स्पीकर्स के साथ 3.5% है, और दर्दी आर्या जिसको रिसेंटली ही दर्दी आर्या का नाम दिया गया है उसके बोलने वाले 2,072 थे, जो टोटल पॉपुलेशन का लद्दाख की टोटल पॉपुलेशन का 0.7% होती थी। सो पुर्गी लैंग्वेज जो है मेजरली यहाँ पे करगिल इलाके में बोली जाती है, करगिल की सबसे मेजर भाषा है। इसके अलावा पीओके में हिस्टोरिकली ओल्डिंग तक, खरमंग डिस्ट्रिक्ट के ओल्डिंग तक के इलाके में पुर्गी एथनिसिटी वाले लोग बसते हैं, तो वो लोग भी इस भाषा को बोलते हैं। इसके अलावा आप जेएनके में गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के जो कुल्लान नीलगढ़ वगैरह के जो इलाके हैं वहाँ पर भी पुर्गी भाषा बोली जाती है। इसके अलावा पाकिस्तान में कराची, लाहौर, क्वेटा, बहुत सारे डिफरेंट जगहों में आज़ादी से पहले, पार्टीशन से पहले बसने वाले पुर्गी लोग हैं। इसके अलावा इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में पुर्गी बोलने वाले लोग बसते हैं। सो अभी सिनेरियो ये है कि पुर्गी जो है लद्दाख की सेकंड लार्जेस्ट भाषा है। अगर हम पहली सबसे बड़ी भाषा भूटी को मान लें जैसे कि आबादी के हिसाब से, तो यूटी लद्दाख की सेकंड लार्जेस्ट भाषा 33.6%, और करगिल की सबसे मेजर भाषा है, क्योंकि यहाँ 140,802 जो पॉपुलेशन थी 2011 से सर्च के मुताबिक उसका 65.3% पुर्गी भाषा बोलती थी। तो अब आते हैं सर स्क्रिप्ट के हिस्ट्री के बारे में। जैसे कि पहले कहा कि इस पूरे इलाके में तिब्बत एम्पायर का रूल था, तो तिब्बतन भाषा ही यहाँ पे प्रोमिनेंट थी, और तिब्बतन भाषा के लिए 7th सेंचुरी में बौद्धिक स्क्रिप्ट को या पोतिक जिसको कहा जाता है उस स्क्रिप्ट को अडॉप्ट किया गया, और उस स्क्रिप्ट को नागरी स्क्रिप्ट से निकाला गया था, बनाया गया था। सो इस पूरे इलाके में ये स्क्रिप्ट चलती थी, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि डिफरेंट रीजंस की वजह से इस तारीख के इस पूरे हिस्से में तिब्बत के साथ इनका रिश्ता टूट गया। तो पिछले करीबन 8th सेंचुरी से हमारा तिब्बत के साथ राबिता नहीं है, तो इस वजह से इस टाइम में लैंग्वेज में बहुत सारी चेंजेस आ गए, बहुत सारे नए साउंड्स आ गए, बहुत सारे वर्ड्स इसमें आ गए। तो पुर्गी में वो सारे जो वर्ड्स हैं, वो साउंड्स हैं, वो क्लासिकल तिब्बतन स्क्रिप्ट में अभी लिखा जाना पॉसिबल नहीं है। सो राइटर्स ने जब से यहाँ पे पुर्गी में लिटरेचर, रिटन लिटरेचर डेवलप हुआ, तब से इन्होंने परसो अरबिक स्क्रिप्ट को अपनाया। तो अभी का हाल ये है कि पुर्गी में फोनीम्स की तादाद 56 फोनीम है, लेकिन तिब्बतन स्क्रिप्ट में सिर्फ 30 कॉन्सोनेंट्स और 4 वॉवल्स हैं। सो 34 फोनीम्स ही बनते हैं, तो इसलिए इसमें पॉसिबल नहीं होता है। हमारे पुर्गी लैंग्वेज के 14 सिंपल साउंड्स और इसके अलावा डजन्स ऑफ ब्लेंड साउंड्स एंड कंपाउंड साउंड्स कैन नॉट बी प्रोनाउंसड इन दिस स्क्रिप्ट। तो इसलिए ये पुर्गी अल्फ़ाबेट को डेवलप किया गया है जो परसो अरबिक स्क्रिप्ट से आखज़ किया गया है। इसमें 46 कॉन्सोनेंट्स हैं और 10 वॉवल्स हैं। तो इस स्क्रिप्ट में ये सारे पुर्गी के सारे फोनीम्स जो हैं उसमें अदा हो जाते हैं।
सो राइटर्स अभी इसी में ही लिखते हैं. मोर देन अबाउट 100 राइटर्स जो है अपनी डिफरेंट शायरी या अपने जितने भी क्रिएटिव राइटिंग्स है वो इसी स्क्रिप्ट में लिख रहे हैं. ऑल इंडिया रेडियो पे जितने भी पूर्वी प्रोग्राम्स, न्यूज़ बुलेटिन, प्राइम मिनिस्टर की मन की बात की ट्रांसलेशन और बाकी जितने भी पोएटिक सिंपोजिया वगैरह होते हैं इसी स्क्रिप्ट में लिखा जाता है सर. और इसके अलावा कल्चरल एकेडमी जो है डिफरेंट डिफरेंट मौके पे पोएटिक सिंपोजियाज या मुशायरा, स्टोरी टेलिंग सेशंस, पेपर प्रेजेंटेशन सभी जो है पुर्की भाषा में अगर पेश करना हो तो इसी स्क्रिप्ट में पेश की जाती है. और पुर्की में बहुत सारा रिच ट्रेडिशन है फोकलोर और फोक टेल्स का, जिनको भी इसी स्क्रिप्ट में हम प्रजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं सर. सो लेकिन अभी हमारे लिए मुश्किल ये है ये कि अभी तक कल्चरल एकेडमी में पुर्की लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज एज ए लैंग्वेज रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, जिससे हमारे राइटर्स को, राइटर कम्युनिटी को बहुत मुश्किल पेश आ रहे. और पूरी अगर होली देखा जाए तो पुर्की कम्युनिटी जो है इससे मुश्किल में है. तो इन सब को देखते हुए सर, हाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि पुर्की में ये सारी पोटेंशियलिटी है कि इसको 8 शेड्यूल ऑफ लैंग्वेजेस में क्यों न शामिल किया जाए और इसको लद्दाख यूटी के स्टेट और ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर सूची में क्यों न डाला जाए. और स्कूलों में, करगिल के स्कूलों में इसको राइज करने की ज़रूरत है, जैसे कि NEP में मदर लैंग्वेज में सिखाने की बात है. और इसी तरीके से लद्दाख कल्चरल एकेडमी में पुर्की सेक्शन खोलने की और पुर्की पर काम होने की बहुत ज़रूरत है सर. आपका वक्त बहुत कीमती है सर, थैंक यू. इसी पर मैं अपनी बात रखता हूँ. जय हिंद. Now I would like to invite Genlin Thupstan Palgan, State Awardee, on the stage. He will present his research paper on Ladakhi language and literature and insight. Genlin Thupstan Palgan. Dini kundar to latan garden no tena to latan I kana ta kadili ye sisters pe pondo langyal ta dini na kaktu sa tapskani kargil da lene skotkani stomba pa langyal sangmala jule jutena tene nge ara samchul bongon chu chie je no ko tu so to mani nyun ji men me juru ta tu so nyun ji men men me kan no somba ta nge ni re 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 se ji ka san mar jo dai ta nga ra dire ji che si la da se skata ige o la ji che den ta i sang la da sa ko pur gi i du ka bin ta i ka ये जा जनबा वाला सॉरी जो न्याम पुर्की जरा चिना तेरे स्कार्ट पो तने ये वो कौन उड़ी ना जो तो तेरे न्याम मान न्याम था नहीं सॉरी न्याम चीज़ जो ना वो माँ ये वो तुरंत दुन पे ना तने ये वो माँ को ना जो कान वो तुम्हीं सब बोलता है कौन ग्यारह लोग जो आज के होते तेरे ने ग्यारह यूनिवर्सिटी चंद मोनी होते नो ना लंदन उद्यान तो पूरी टैक्सा शिला जरा तो ते समा तेरो लोग जो जाते टेस्टिंग में तेरे इस का दिक्कत का स्टेंटे ते वाला तुम बेटे ने कौन सी ये वो जात का पाए इबे ने आकाश उसे ताई ये वो कॉल को से दुख जतान दो ते वो सोमवार संग याले ता डालेक तो से यूँ ना ता संग ता इन्होंने बाल्टी डालेक इनो लदाखी डालेक इनो या ते ना तो लाई चोस तना गाता ले खोरा ना चोस तना वास्कार नुब्रा ते समा गाता चोस वाला टेन ते ना ते वो ठस्तो चो ना तेने माँ खोरा वो का वो ते तुम्हें संभव ते तू जा चोस का नहीं ते वो चांग नंबे इस उसे मिक्स ते माचोस का क्या है यहाँ सी तो उसे मिक्स ते माने माचोस का गाता स्कादिक को ना तुम बे इगे जी चोस का ते बिना ये स्कादिक को गाता काने बहुत संसार में पास का जी स्कादो गिलगित सफा जर का नहीं वो का वो डालेक जी ने पाले का वो पौधी की डालेक पौधी पोस्का दी डालेक बहुत भाषा जरे ताते बात ने दर्शन गाता पौधी की जरते मना लोता वाणी गिरते का तेन दान तरियां बोकी दर्शन गाता तुझक सिखान चाहिए ना तो तक पो ये बात ये जुना गाता ही ना कोरां गोमा बना कोरां तेज ने इसका तो गिरगिर ने तेन गिरते ड्रॉपे मिल गिर पड़े ते वां नंबर में हिंदी चल दूर तेन का ला ला सिखा देंगे तुझक चल सकता तेज ने बोले मंगो राय सब पोटिक जरेंगे ते बो यों पता शुरू वैली चौका था तासा कारगिल बा पोरिक पोरिक जरेंगे पोटिक रिक्स मी पोटिक मी ताते वो मैंने सोचे जिनका जो थे पाँच दिन उसी चोस था थे ताते वो मैंने लैंग्वेज पांग गुरतां स्क्रिप्ट पांग गुरतां तो उसे संभाल साले ना ते स्टावा छास तक थे मैं ना ऐसा मत रहने ताए इनसे राना मी को मां पुजे राना दो पान अतां समय मैंने संभव मैं कोई आपको ज्ञात
tene demba phanche ni mere mane stava thamu ji tu sishte gokan ji na demba te nam ya yar ja chati mi o te somba sa te u ji che din tene ta da sa tu so me de pa mani i to se skata ni ji skor la che zane skat po ka ji ji jun kun skat pina chi u ka zu yo te skor la mane ma mane ri mo ji mane su to ni sum so si de spera pa sa mani ni de zu mo to mi cha che to si ni no in na ya pa se te ni Natale per non gonza con sette somma tu sto mani in un di bocan di gente niente ca giulia samala tu je che giulia Now I request Shri Stanzin Chospel honorable executive councillor art and culture Ladakh autonomous hill development council led to kindly address the event Shri Stanzin Chospel आज के इस लद्दाख लिटरेरी कॉन्फ्रेंस 2023 में हमारे चीफ गेस्ट ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रिगेडियर डॉक्टर बी डी मिश्रा जी फर्स्ट लेडी हमारे श्रीमती नीलम मिश्रा जी ऑनरेबल सी सी कारगिल का फिरोज अहमद खान साहब कौंसल एना खोने ठोपा ऑनरेबल ईसी लंगिया हमारे वर्थी सेक्रेटरी रविंदर सर वर्थी डीसी संतोष सर एसएसपी सर और जितने भी इधर स्कॉलर्स हैं तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए दो तीन शब्द कहूँगा क्योंकि सर के पास बहुत कम टाइम है उसको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी स्कॉलर्स हैं सबको वेलकम करना चाहूँगा और फिरोज साहब को थैंक यू कहना चाहूँगा इतने स्कॉलर्स को अपॉर्चुनिटी देने के लिए क्योंकि ले से भी बहुत स्कॉलर्स आए हैं मुझे लगता है ऐसे ही हम ऐसे कॉन्फ्रेंसेस करते रहें तो स्कॉलरली कम्युनिटी में भी एक कॉन्फिडेंस जागता है उसको छोड़कर जो और नए लोग आना चाह रहे हैं प्लेटफॉर्म पे जो यंगस्टर्स हैं जो कि हमारे लद्दाख के एक पिलर हैं जो आने वाले टाइम में उनको भी बहुत कल्चरल वर्ड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन है उनको भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए तो मैं ये बताना चाहूँगा हमारे लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ले की तरफ से हम आर्यन वैली में हम लैंग्वेज स्क्रिप्ट को डेवलप करने के लिए और उनके जितने रिवाइवल कल्चर रिवाइवल को अप करने के लिए और उनके लोगों को आगे लाने के लिए वो भी हम बहुत काम कर रहे हैं तो मैं फिरोज साहब से विनती करना चाहूँगा जितने भी हमारे आर्यन हैं या और कोई कल्चरल पॉकेट्स हैं उनको भी आगे लाएँ और मुझे लगता है बहुत लोग इधर आए भी होंगे और अपॉर्चुनिटी भी मिला होगा तो मैं यही बोलना चाहता हूँ अंत में कि हम सबको ऑनेस्टी इंटीग्रिटी के साथ हमें बिल्कुल सोचना पड़ेगा विदाउट एनी उसको किसी और पॉलिटिकल या कोई रिलीजियस कलर ना देते हुए हम कैसे एक है हम लद्दाख को कैसे आगे बढ़ाएं हम अपना भाषा और अपना कल्चर को कैसे बचाएं क्योंकि यही समय है मुझे लगता है कि हमारे बी डी मिश्रा जी जो अभी रिसेंटली आए उनके एक्टिविज्म के अब इतना एक्टिव है सर थैंक यू कहना चाहूँगा क्योंकि इतने कम समय में सर ने इधर टूर किया और ना कि इधर और हर जगह पे भी टूर कर रहे हैं तो थैंक यू सो मच सर तो लद्दाख के कल्चर और लैंग्वेज को हमें ध्यान में रखते हुए मुझे यही लगता है कि हम अपनी बोटी भाषा या आप बुर्गी आप बोती में देख लीजिए उन पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है और ज़्यादा न कहते हुए इस अपॉर्चुनिटी को देने के लिए धन्यवाद और मुझे लगता है आगे आने वाले टाइम में भी हम ले में भी करेंगे और मैं इधर कारगिल के स्कॉलर्स को भी इनवाइट करना चाहूँगा ले में नेक्स्ट टाइम हो तो थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी थमाला जुले तुझे से आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर एलएचटीसी कारगिल श्री फैरोज अहमद खान टू काइंडली एड्रेस द ऑडियंस श्री फैरोज अहमद खान ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर यूटी लद्दाख ब्रिगेडियर डॉक्टर बी मिश्रा साहब फर्स्ट लेडी मैडम नीलम मिश्रा जी हमारे ले से तशरीफ लाए हुए ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर संजीव चोस्पेल जी ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर एलएचडीसी कारगिल सेक्रेटरी यूटी लद्दाख जनाब रविंदर साहब डिप्टी कमिश्नर सीओ एलएचडीसी जनाब संतोष जी एसएसपी इनायत अली साहब डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन हमारे डॉक्टर सफदर साहब उसके अलावा हमारे यहाँ पे जितने भी स्कॉलर्स चाहे वो ले से हो करगिल से हो यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं हमारे मीडिया पर्सन्स सबसे पहले सर मैं पूरे करगिल के आवाम और हमारे एलएचडीसी करगिल की तरफ से जनाब का बहुत ही मशहूर और ममनू हूँ कि आपने हमारे दावत को कबूल करते हुए आज यहाँ पे थर्ड जो एडिशन हो रहा है लिटरेरी कॉन्फ्रेंस का
उसके इनॉग्रेशन के लिए जनाब ने इनविटेशन को एक्सेप्ट किया और इससे हमें ये जाहिर होता है कि इनको इस सेक्टर के लिए कितना दिलचस्पी है। इससे सर हमारे जो अदीब हैं जो लिटरेरी से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो ले से हो चाहे वो करगिल से हो, उन नौकरी का है वो नहीं होना चाहिए। आप ज़माना चेंज हो गया, प्रोफेशनलिज्म इसमें होना चाहिए और वाकई जो एक्सपर्ट्स लोग हैं उनको उसमें जगह मिलना चाहिए। बाकी मैं यहाँ पे जो हमारे ले से जो तशरीफ़ लाए हैं, हमारे लिटरेरी सेक्शन के जो लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, राइटर्स जो हैं, मैं उनको वेलकम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये जो दो दिन का सेशन यहाँ पे चलेगा ये बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। एक तो ये है कि आप दोनों ले और करगिल के स्कॉलर्स, जिसमें हमारे बुद्धिस्ट भी हैं हमारे मुस्लिम भी हैं, दोनों को आपस में समझने का एक अंडरस्टैंडिंग देगा, जैसे हमारे ऑनरेबल ईसी साहब ने यहाँ पे कहा। बहुत ही ज़रूरी है ऐसे प्लेटफॉर्म्स हमें प्रोवाइड करना जहाँ पे एक दूसरे से लोग मिल के बात करें, डिस्कस करें, क्योंकि बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो सारी चीज़ें इसमें ख़त्म होता है। बाकी सर करगिल की तारीख जो है, हमारे एक बहुत ही मशहूर राइटर जो एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं काचो सिकंदर अली खान सिकंदर, उन्होंने किताब लिखी है कदीम लद्दाख, जिसमें पूरे लद्दाख की कल्चर हिस्ट्री को जो उन्होंने सिक्योर किया है, मजबूत किया है। अब उनके जो बेटे हैं जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं वो उस बुक को जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि वो बुक जल्दी हमारे सामने आएगा, जिससे जो लोग उर्दू नहीं समझते हैं वो लोग भी जो हैं इसको समझ पाएंगे। तो मैं सर ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए एक बार फिर मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी बहुत मशहूर हूँ कि हमारे जो स्कॉलर्स जो अदीब हैं उनकी हौसला अफजाई करते हुए लास्ट ईयर हमारे करगिल के जनाब अखून अली बशारत साहब को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। हम इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत ही मशहूर हैं और इसी तरह जो हमारे यूनियन टेरिटरी लद्दाख हैं वो भी बार बार हमारे जो स्कॉलर्स हैं, हमारे जो राइटर्स हैं, हमारे जो फोकलोर जो जिनके पास हैं उनको भी इनक्रेज करने के लिए स्टेट अवार्ड से नवाजा जाता है। तो ये जो सिलसिला है ये कंटिन्यू रहना चाहिए, क्योंकि वक्त की कमी है। मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए एक बार फिर हमारे ऑनरेबल एलजी साहब का बहुत ही मशहूर हूँ कि वो यहाँ पे आए। एक तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे नहीं आए बल्कि यहाँ के जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे मिले, उनसे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लिया कि हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ करगिल में या लेह में भी करने की ज़रूरत है। और हमें उम्मीद है कि इनकी लीडरशिप में इंशाल्लाह हमारे यहाँ पे जो राइट डायरेक्शन होगा और सही तरीके में एक प्रायोरिटी फिक्स करते हुए हम लोग सब आगे बढ़ेंगे। तो मैं फाइनली आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ सर, बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद। May I have the privilege now to invite our chief guest, Honorable Lieutenant Governor, accompanied by Honorable Chairman LHDC Kargil, to grace the stage for presentation of the book titled Exam Warriors to the Designated Students, followed by the Honorable Chief Guest's valuable address and words of wisdom to the event. I would call students from Government High School Baru and Government Girls Higher Secondary School Kargil to come one by one and receive the books from the august hands of Honorable Lieutenant Governor. Students from Government High School Baru and from Government Girls High Secondary School Kargil. हमारे Honorable LG साहब बुक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हमारे स्टूडेंट्स को दो बातें कहेंगे बिफोर हिज एड्रेस, तो बुक के बारे में वो थोड़ा दो लफ्ज़ कहना चाहेंगे। यहाँ पर सबको हमारा जुले मैं जो बुक देने जा रहा हूँ इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। यह बुक हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिखा है और उन्होंने जब वो प्रधानमंत्री बने उसी के टाइम के थोड़े दिन बाद लिखा था। अब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यह है कि प्रधानमंत्री जी ने रियलाइज़ किया कि जो हमारे बच्चे टेंथ के क्लास में एग्ज़ामिनेशन बैठते हैं या ट्वेल्थ में बैठते हैं या किसी और एग्जामिनेशन बैठते हैं वो बड़े टेंशन में रहते हैं, बहुत ही टेंशन में रहते हैं और उनके माँ बाप भी बहुत टेंशन में रहते हैं। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं, आप लोगों का शायद इस पर प्रोग्राम भी देखा होगा, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि माँ बाप
कभी कभी उनके वजह से बच्चों का टेंशन और भी बढ़ जाता है, क्योंकि माँ बाप हमेशा बच्चों को कहते हैं अच्छा नंबर लाओ, अच्छा नंबर लाओ, अच्छा नंबर लाओ। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बच्चे को अपने तरीके से ग्रोन अप होने दो, बच्चे को कॉन्फिडेंस दो, बच्चे पर टेंशन मत डालो, बच्चे को एग्जामिनेशन के पहले उसको घबराओ मत, तो बच्चे का परफॉर्मेंस बेटर होगा। और दूसरा वो ये कहते हैं कि बच्चे को रोज अगर स्कूल जाने के पहले आप ये कहेंगे कि बेटा अच्छा पढ़ना, नौकरी अच्छी मिलेगी, तो लॉन्ग टर्म में एक हार्म हो रहा है, क्योंकि ऐसी कोई कंट्री नहीं है दुनिया में, यहाँ तक कि स्कैंडिनेवियन कंट्री जैसे स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, ऐसी हॉलैंड, फिनलैंड, वहाँ पर जहाँ जनसंख्या कम हो रही है वहाँ पर भी सरकारी नौकरियाँ हर के लिए नहीं मौजूद हैं। तो बच्चे को इनकरेज करना है कि बेटा नौकरी के पीछे मत भागो, बेटी नौकरी के पीछे मत भागो, अपने आप कुछ करो, कुछ ऐसा करो कि और को नौकरी दो। तो इन सब चीज़ों को मिला के प्रधानमंत्री जी ने किताब लिखी है, और मैं हमेशा यह सोचता हूँ कि माँ बाप का फर्ज है, क्योंकि मैं भी पिता हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, माँ बाप का फर्ज है कि बच्चे को इनकरेज करें, कॉन्फिडेंस दें, मौका दें उसको अपने तरीके से काम करने का, अपने तरीके से पढ़ने का, और यह इंश्योर करें कि माँ बाप की वजह से बच्चे को कोई टेंशन न हो, बच्चा अच्छा करेगा, बच्चा कामयाब होगा और माँ बाप का नाम रोशन करेगा। यह एक किताब का मकसद है। इसलिए मैंने सोचा कि चूंकि यह लिटरेरी कॉन्फ्रेंस है, पढ़ाई लिखाई की बात हो रही है, तो आज मैं बच्चों को, अपने बच्चों को यह बुक जरूर पेश करूँ। इस सभागार में हाजिर सबको हमारा जुले, यहाँ पर उपस्थित चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर श्री फिरोज अहमद खान जी, एग्जीक्यूटिव काउंसिलर श्री फुनचो पाशी जी, एग्जीक्यूटिव काउंसिलर श्री आगा सईद मेहदी फजली जी, एग्जीक्यूटिव काउंसिलर श्री स्टांजिन चोस्पेल जी, यहाँ पर लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन से उपस्थित रविंद्र कुमार आईएएस, संतोष सुखदेव आईएएस डिप्टी कमिश्नर, आर्या अली आईपीएस एसएसपी कारगिल, डॉक्टर सफदर अली आईआरएस डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन। मित्रों, भाइयों, बहनों, मुझे बड़ा ताजुब हुआ जब कुछ दिन पहले हमारे मित्र, अभी हमारे फ्रेंड हो गए हैं ये फिरोज अहमद खान जी, क्योंकि 3-4 साल में मिला हूँ, बड़े उम्दे आदमी हैं भाई, कमाल के आदमी हैं, और इनके विचार आइडिया सब बहुत अच्छे हैं, प्रोग्रेसिव आदमी। तो 2-3 बार मिले हम, तो जब इन्होंने हमको इनवाइट किया और कहा कि आपको आना है लद्दाख लिटरेरी कॉन्फ्रेंस में, मुझे ताजुब हो गया
मैं बताऊं क्या, मैं 3 स्टेट का गवर्नर रह चुका हूं और अभी 6 साल हो गए, हमको लिटरेरी कॉन्फ्रेंस के लिए किसी स्टेट में नहीं बुलाया। मैं मेघालय का गवर्नर था, वहां पर जब ब्रिटिशर्स आए नॉर्थ ईस्ट में गए तो वहां पर कैपिटल बनाया, इतना पुराना एजुकेशन, बड़े बड़े वहां पर पुराने कॉलेजेस हैं, लिटरेरी कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाए हुआ ही नहीं और यहां हो रहा है ताजुब। तो मैंने कहा भाई मैं जरूर आऊंगा। तो यहां पर जब मैं आया तो देखा इस कॉन्फ्रेंस में जो एक इंटीग्रेशन है और तमाम का, इसमें भोटी है, बाल्टी है, लद्दाखी है, दर्शीन है, पुर्गी है, दर्द आर्या है, उर्दू है और अंग्रेजी में, हमारे स्पीकर यहाँ पर बढ़िया अंग्रेजी बोल रहे हैं, खूब बढ़िया अंग्रेजी बोल रहे हैं, तो यह तो बड़े ही ताजुब की बात है और मैं इसको देख के बहुत खुश हो रहा हूँ कि यहाँ पर हो रहा है। और यह थर्ड एडिशन है, यह आज नहीं शुरू हुआ, थर्ड एडिशन है और इसमें जो आए लोग हैं, जो हिस्सा ले रहे हैं, वो सिर्फ इसमें राइटर नहीं है, इसमें राइटर्स भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं, स्कल्प्टर हैं, वर्कशॉप वाले हैं, तमाम लोग। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ये फिरोज अहमद खान जी, बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ मैं कि आपने मौका दिया इस फंक्शन में। ये जो कल्चरल रिवाइवल है और लिटरेरी अवेयरनेस है, ये बहुत आवश्यक है। देखो आप लोग ये समझो कि इस दुनिया में, कायनात में, अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने, भगवान बुद्ध ने तमाम क्रिएचर बनाए हैं, जीव बनाए हैं, जीव, और उसमें सबसे ऊपर हम लोग हैं, आदमी। क्यों हैं हम? इसलिए हैं कि बुद्धि है, दिमाग है, लिटरेचर है। कारगिल में इनॉग्रेट हुआ है, इस में कितने शायर आपने या कितने लिटरेरी फिगर्स को आपने इनवाइट किया और कौन कौन से सेक्शंस में आप काम कर रहे हैं? हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया पहले आप सबको यहाँ पर तशरीफ लाने के लिए, मीडिया फैसिलिटी को। आप सबको खबर है कि आज ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के शुभारंभ से लद्दाख लिटरेचर फेस्टिवल का जो तीसरा एडिशन है वो इनॉग्रेट हुआ है। इसमें जो है हमने मोर देन 150 जो हमारे लिटरेरी फील्ड के हैं, जो स्कॉलर्स है, राइटर्स है, पोइट्स है या शॉर्ट स्टोरी टेलर है, उनको दावा दिया है पूरे खत्ते लद्दाख की अलग अलग कोनों से। इस प्रोग्राम को करने का मकसद यह है कि हमारे जितने भी इंटेलेक्चुअल्स है, जो क्रीम ऑफ द सोसाइटी है, वो एक जगह पर बैठे, डिस्कस करें, सोचे और अपनी जो भी अपनी आइडिया से वो शेयर करें और चिंता करें कि हमें नेक्स्ट फ्यूचर में क्या करना है। और आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, लद्दाख जो है बहुत रिच है लिटरेचर की फील्ड में। ऑनरेबल गवर्नर साहब ने खुद कहा कि मैं इन जगहों पर गवर्नर बैठा हूँ लेकिन इतना जो रिच लिटरेचर नहीं देखा। हाँ, मानते हैं कि लद्दाख बहुत छोटा है लेकिन लिटरेचर में हम हिंदुस्तान की मतलब मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में हम कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। हमें पता है कि क्योंकि एक पोम को आगे लेने के लिए लिटरेचर का होना जरूरी है। तो इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कल्चरल एकेडमी बहुत से प्रोग्राम करते हैं और आपको आपने देखा कि मेगा इवेंट्स करते हैं, सांस्कृतिक फेस्टिवल जैसा जो खत्ते लद्दाख का सबसे बड़ा इवेंट है। तो बहुत से चैलेंजेस होता है लेकिन उन सबको हम मिलकर, आप भाई के साथ मिलकर इस तरह का प्रोग्राम करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले दौर में अगर पब्लिक का, अगर सबका साथ रहा तो इससे भी बेहतर प्रोग्राम हम आवाम के लिए पेश करने की कोशिश करते हैं।